तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर होता क्या है और उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसका फायदा क्या है और आप अपने जो क्रेडिट स्कोर होते हैं बैंक का जो भी आपका अकाउंट है उसका क्रेडिट स्कोर देखना चाहते हैं तो रोज आप कैसे देख सकते हो, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। विद पेटीएम आपको एक पेटीएम में रजिस्टर करना होगा जिसके थ्रू आप अपने बैंक का जो क्रेडिट स्कोर होगा वो रोज देख पाएंगे और अगर कुछ भी गलत होती है मतलब कि जो डाउन होता है क्रेडिट स्कोर, हाई होता है तो कोई प्रॉब्लम लेकिन डाउन होता है तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी कि आप ये करो जिसके थ्रू आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ने लगेगा, ठीक है। बट बढ़ा के हमें मतलब इंक्रीज करके करना क्या है, इसका यूज़ क्या होता है। तो आज का वीडियो अभी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि वो नहीं दबाएंगे तो आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। वो बिल्कुल फ्री में कोई चार्ज नहीं लेता, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। तो अभी कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर होता क्या है। बेसिकली ये आप लोन जो अप्रूव करने के लिए आप मतलब आपको इमरजेंसी में कुछ पैसे की जरूरत पड़ सकती है, जैसे आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में हो बट वहाँ से आपको लोन लेनी किसी भी तरह की, ठीक है, लोन लेनी है तो सबसे पहले तो यही चेक किया जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। क्रेडिट स्कोर किसी को कुछ फ्रेंड ये भी कहते हैं सिबिल स्कोर ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है, तो सिबिल स्कोर ऐसा कुछ कहते हैं और क्रेडिट स्कोर ये दोनों ही सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं इसमें। बट ये आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है, मान के चलो ये आपका जो आपका बैंक अकाउंट है तो वो स्कोर होता है ना, तो वो आप कितने जो रेगुलर काम मतलब रेगुलर वहाँ मेंटेन होते हैं उस अकाउंट में, वो स्कोर आपका इम्प्रूव होता है उस एक बैंक के थ्रू मतलब, ठीक है। तो इन फ्यूचर में अगर आप पेमेंट मतलब लोन ले भी लेते हैं तो बैंक को भरोसा होता है ना ये बंदा बिल्कुल सही से काम कर रहा है पिछले कुछ टाइम से और मतलब कि रेगुलर मेंटेन करता रहता है, पैसे डालता है वगैरह, मतलब पूरा मेंटेन है उस अकाउंट के थ्रू, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो वो स्कोर के थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं बैंक वाले कि हाँ ये बंदा बिल्कुल सही है, अगर लोन हम देते भी हैं उनको तो ये बंदा इन फ्यूचर में जो भी ब्याज के साथ जो भी देना पड़ता हो वो लोन पूरा चुकता कर देगा वापस। ये इससे ये फायदा होता है मतलब सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर का जो हाई होता है तो बैंक वालों को पूरा ट्रस्ट हो जाता है आपको आप पे, ठीक है, ताकि वो आप ट्रस्ट होने के बाद आपको लोन दे सके। तो स्कोर का यही मतलब होता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब बात करते हैं ये डाउन होता है तो क्या होता है, डाउन होता है तो आपका जो एप्लीकेशन आप करते हैं लोन के लिए तो शायद अप्रूव ना भी हो क्योंकि डाउन में तो वैसे भी ट्रस्ट नहीं होगा, बैंक वालों को भी ट्रस्ट नहीं होगा क्योंकि बैंक वाले हर किसी को तो नहीं जानते ना, वो स्कोर पे डिपेंड करता है, आपके अकाउंट के स्कोर पे डिपेंड करता है हाँ ये बंदा कितना ट्रस्टेबल है, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। अगर डाउन होगा तो फिर आपका एप्लीकेशन शायद रिजेक्ट भी कर दे, शायद आपको लोन मिले भी ना। अगर वो हाई होगा तो भी आपका 100% चांस है कि आपके जो आप लोन करवा रहे हो वो 100% एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जहाँ पे लोन की बात आती है वहाँ पे ये क्रेडिट स्कोर ही कह सकते हैं या सिबिल स्कोर आपको देखना ही पड़ेगा और वो सामने वाले जो कंपनी होती है वो भी जरूर देखती है। अब बात आती है आपको कैसे देखना, आपको पता कैसे, हालांकि बहुत सारे वेबसाइट ऐसे बताते रहते हैं सिबिल स्कोर कैसा है वगैरह, ठीक है, बट आप बाकी वेबसाइट पे आप भरोसा ना करें तो अच्छा है। यहाँ पे पेटीएम अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना बैंक का सिबिल स्कोर आप पता कर सकते हो, क्रेडिट स्कोर पता कर सकते हो रोजली, आपको आज पता करना है कल करना है फिर से रोज जो अभी आप देखना चाहते हो वो देख सकते हो। कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगा, बट वहाँ पे आपको मेरे ख्याल से बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब बैंक अकाउंट नहीं है तो वैसे भी आपको लोन कैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट जिसका होगा वो वहाँ पे लिंक करना होगा, ठीक है, और नेम है और नंबर है, जीमेल आईडी देनी होगी और जो अकाउंट नंबर है वो देना होगा और डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो वहाँ से आप जो बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो हर रोज़ वहाँ पे अपडेट होता रहेगा कि आपका स्कोर कहाँ पे कितना है, मतलब हाई है लो है क्या है, ठीक है, मीडियम जो भी हो। अगर लो हो जाता है तो वहाँ पे कुछ पेटीएम की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप ये कीजिए ताकि आपका जो स्कोर है वो ऊपर आए, ताकि आपको इन फ्यूचर में लोन की ज़रूरत पड़े तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हालांकि पेटीएम भी आई थिंक मेरे से लोन देती है, पता नहीं कैसे, बट वो प्रोसेस हम बताएंगे बाद में कुछ अलग वीडियो बना के, ठीक है। अब बताएंगे मोबाइल में स्क्रीन पे जाके कि आपको ऐड कैसे करना है और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी वो मोबाइल की स्क्रीन पे जाके दिखाते हैं। तो चले जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम पेटीएम को ओपन करके आपको दिखाते हैं कि ये वाला जो क्रेडिट स्कोर वाला ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आपको मैं पेटीएम ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पेटीएम ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, अगर आपको यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिल सकता है तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपको यहाँ पे सर्च कर देना है।
क्रेडिट स्कोर, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है, मैं आपको दिखाता हूँ क्रेडिट फ्री क्रेडिट स्कोर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे क्रेडिट लिखेंगे आपको फ्री क्रेडिट स्कोर आ जाएगा, ठीक है, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, कंफर्म योर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, रजिस्ट्रेशन विथ योर बैंक क्रेडिट कार्ड, मतलब कि आपको वही यहाँ पे डिटेल देनी जो आपके बैंक में लिंक है, वही डिटेल यहाँ पे डाल देनी। फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देना है, सेकंड लास्ट नेम देना है आपको, आपका नेम ही देना है, ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो वही नेम देना है, बैंक अकाउंट में जो भी नेम होगा वही देना है आपको। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा जो कि मैं आपको नहीं दिखा पा रहा, बट आपको नीचे मोबाइल नंबर देना है, नीचे ईमेल आईडी देनी है और परमानेंट अकाउंट नंबर देना है, जो नीचे आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पे आपको लिखा हुआ है परमानेंट अकाउंट नंबर, वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है उस बैंक का, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे ईमेल आईडी के बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको यहाँ पे जो ये वाला आइकन है उस पर आपको टैप कर देना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे मेरा कुछ मुझे ज़रूरत नहीं है क्रेडिट स्कोर की, तो मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगा, आपको ये डिटेल नहीं डालूंगा, लेकिन आपको जानना है तो ये सारी डिटेल्स आपको डाल देनी है, उसके बाद सबमिट कर लेना है और कुछ ही टाइम के बाद आपको अपने पेटीएम अकाउंट में क्रेडिट स्कोर देखने को मिल सकता है आपकी बैंक अकाउंट में, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पे बताइएगा, और नीचे आपको व्हाट इज क्रेडिट स्कोर के बारे में जानना है, व्हाई इज क्रेडिट स्कोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्यों ज़रूरी है, और विल माई क्रेडिट स्कोर रिड्यूस एक्सेस थ्रू पेटीएम, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और पेटीएम हर टाइम बताता रहेगा कि आपको क्रेडिट स्कोर कैसे इंक्रीज करना है, अगर डिक्रीज होता है तो, और कितना है वो भी बताता रहेगा आपके अकाउंट का। सो दोस्तों, इतना इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ वेटिंग करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद वहाँ पे आपको हर रोज़ आपका जो क्रेडिट स्कोर देखने को मिल सकता है जितना भी होगा, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए आ गए तो सब्सक्राइब करें। थोड़ा बाय।